So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class 4 physics, chemistry, maths. Today we study class 12 chemistry. We are in the solution chapter. Revise kar rahe hain 1 2 3 dekhe honge. Molarity, normality, molality, मोल फ्रैक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिए होंगे. उसके बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू किए थे, रॉल्स लॉ के बारे में बता दिए थे. नाउ वील स्टडी अबाउट सॉल्यूशन एंड वी आर इन द वीडियो नंबर 4, है ना, जिसमें लोग पढ़े थे, सॉरी पिछला वीडियो पढ़े थे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो आज हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसका निमित्त बनाएंगे. ध्यान सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आज के लिए. ओस्मोसिस क्या होता है पहले तो, एंड देन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर. याद है ना, किसी को पढ़े कभी? इसी में एक वर्ड यूज होगा, सेमी परिमीय. ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. बस तीन टॉपिक हम अच्छा से डिस्कस कर रहे हैं और उसका फार्मूला, बस इतना ही याद रखना है. फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बोलते हैं. अंडरस्टूड? तो सबसे पहले देखिए, कोई सॉल्यूशन को हम लोग क्या करें, सेपरेट करते हैं, है कि नहीं, सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें महीन महीन ऐसा फिल्टर होता है. ये ना जानवरों का चमड़ा से बनता है, स्किन ऑफ एनिमल से बनता है, जिसके अंदर बहुत महीन महीन. तो इसके अंदर सॉल्यूशन के दो जो भाग होते हैं वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं. एक तरफ सॉल्वेंट और एक तरफ सॉल्यूट अलग अलग होना शुरू हो जाता है. ऐसा करना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, जिसके सहायता से करते हैं इस कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ऑस्मोसिस रोकने के लिए बाहर से हम लोग को क्या करना पड़ता है, दबाव डालना पड़ता है कि ना, इट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस. इज इट क्लियर? तो सबसे पहले व्हाट इज ऑस्मोसिस, द प्रोसेस ऑफ, एकदम जाके याद कर लिए, एग्जाम आता है, सेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विथ द हेल्प ऑफ, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विथ द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कोल्ड ऑस्मोसिस. बस इतना सा लिखिए, वाड़ी ऑस्मोसिस का आंसर हो गया. एक सॉल्यूशन को अलग अलग कर दीजिए ना, जैसे सिंपल सा फिल्टर पेपर फिक्स कर दिए, एकदम जाम कर दिए हैं, धीरे धीरे पानी इधर की ओर, सॉल्वेंट अलग होने शुरू होगा. सॉल्वेंट पूरी तरह अलग नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग हो जाता है. इट इज सिंपली कोल्ड ऑस्मोसिस. याद रहेगा सबको, जो जो करता है उसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द, ये क्या एक फिल्टर है ना, फिल्टर मैंने छानने वाला ना, फिल्टर है मेड अप ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स. इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झिल्ली, मेम्ब्रेन. द फिल्टर मेड अप ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स मेम्ब्रेन विच इज यूज टू क्या, विच यूज टू सेपरेट, क्या यूज करते हैं, सॉल्यूट एंड क्या, सॉल्वेंट. द फिल्टर मेड अप ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स मेम्ब्रेन विच आर यूज टू सेपरेट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इट्स कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसके बहुत महीन महीन छिद्र होते हैं ना, इट हैज वेरी फाइन होल्स होते, काफ़ी एक दो नंबर मिलता, ज़्यादा नहीं मिलता. क्लियर है व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का आंसर है. अब देखिए, हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो उस ऑस्मोसिस रोकने के लिए बाहर से क्या करना पड़ता है, हम लोग को दबाव डालना पड़ता है कि सच प्रेशर इज सिंपली कोल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. एग्जाम में आता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सर व्हाट इज वाला टाइप का क्वेश्चन. ये क्या है, व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस. ध्यान सुनिए, द
एक्सेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, द एक्सेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू क्या करने के लिए, स्टॉप रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, ओस्मोसिस विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ एसे, मत इसको मत लिखिए इतना काफी है, द एक्सेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू स्टॉप ओस्मोसिस इज कोल्ड, क्या बोलते इसको लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर पाइप, द एक्सेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस सिंपली कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब इसको बाहर से हम दबाव डालेंगे कि नहीं, याद आ रहा है फिगर बताएंगे, इतना काफी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना, दबाव डालेंगे तो क्या ऑस्मोसिस होना क्या रुक जाएगा, ऐसा प्रेशर इज सिंपली कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर पाइप बोलते हैं, अंडरस्टूड। अब हम बताएंगे फार्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, एग्जाम में व्हाट इज ऑस्मोसिस, ये आंसर है, और एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अंडरस्टूड। फार्मूला निकालने बोलता है एग्जाम में, तो हम लोग कहते हैं सिंस पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है, प्रेशर वॉल्यूम, वेर की पी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेशर, और यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, ऑस्मोटिक, तो क्या लिखते हैं इसको, पाई लिखते हैं, वी क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में होना चाहिए है कि नहीं, एन क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, और टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, T is the temperature of solution, PVNT, और R क्या है मालूम है, रियल गैस, सब तो कांस्टेंट है ना, रियल गैस कितना यूज करते हैं हम लोग, 0.083, ऐसे 0.0832 होता है, हम लोग 0.08 यूज कर सकते हैं, तो बता रहे इसके आगे पहले नोट कर लीजिए, तो क्या निकला हमारे पास, PV is equal to क्या आया, NRT, यानी पाई इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो गया, एन आर टी, यानी पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एन बाई वी आर टी, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर इंटू आर टी, एन इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, वी इज द वॉल्यूम, इसको हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, तो मोलारिटी भी लिख सकते हैं हम लोग, एम दिया तो ये वाला यूज करेंगे, एम दिया हुआ है तो ये वाला यूज करेंगे हम लोग, इज इट क्लियर, और कोई नंबर ऑफ ग्राम मोल नहीं निकाल पाता है, वेट मतलब अगर ग्राम दिया सॉल्यूट का, वेट बाई मोलिकुलर वेट वी आर टी, ये सब फार्मूला बन गया, आपको जो एग्जाम में दिया वैसा यूज करना चाहिए, एम क्या है, मोलारिटी, मोलारिटी मालूम है, याद है नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर क्या बोलते हैं हम लोग, मोलारिटी, नंबर ऑफ ग्राम मोल कैसे निकालते हैं, वेट को उसी का मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिए, तो अगर व्हाट इज ऑस्मोसिस आएगा तो यही आंसर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, सब कुछ बता दिए इसके बारे में, दो तीन गो छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए, आइडियल सॉल्यूशन बताए भी थे एक बार, नॉन आइडियल छोटा छोटा लिख रहे हैं ना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब में आप आराम से लिख सकते हैं, या बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोपाइस्टिक सॉल्यूशन, नहीं पढ़े हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे लोग, हेनरी लॉ, समझ रहे कि नहीं, और एक टॉपिक बताएंगे वेंट ऑफ फैक्टर, अगला वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो देखिए जो विच फॉलो, जो सॉल्यूशन क्या फॉलो करता है, फॉलो रोल्स लो ऑफ वेपर प्रेशर आर सिंपली कॉल्ड, खत्म, आइडियल, जो डू नॉट फॉलो, जिसका ग्राफ ऐसे बनता है ना, और कोई ग्राफ बनेगा, विच डू नॉट फॉलो रोल्स लो ऑफ वेपर प्रेशर,
विच डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर. क्लियर है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन, सेम जैसे एम बाई टेन एस सी एल और एम बाई टेन एच टू एस ओ फोर, दोनों का क्या है सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. आइसोपाइस्टिक सॉल्यूशन हैविंग सेम वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन हैविंग सेम वेपर प्रेशर आर कोल्ड आइसोपाइस्टिक सॉल्यूशन बोलते हैं. इज इट क्लियर? ये तो याद रखना चाहिए, वन मार्क में आपको आराम से दिला सकता है. जिसका दो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर सेम रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं आइसोपाइस्टिक. जिसका सेम कॉन्सेंट्रेशन या सेम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं ना, कोई बुक में ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में लिखा हुआ है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कॉन्सेंट्रेशन आर कोल्ड आइसोटोनिक. जिसका दो सॉल्यूशन में जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, सॉल्यूशन हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन इज कोल्ड हाइपरटोनिक, और जिसका कम होता है हाइपोटोनिक. वन मार्क का क्वेश्चन है सर. सॉल्यूशन हैविंग लो कॉन्सेंट्रेशन इज कोल्ड, बस जाके एकदम नया नोट बना के एकदम इसको याद रख लेना है, रीडिंग करते रहेंगे जान जाएंगे. अंडरस्टूड? बताएंगे अभी हेनरी लॉ क्या होता है, नोट कीजिए. तो क्या होता है हेनरी लॉ, बहुत ही वन मार्क टू मार्क मिल जाता है इसका यूज. एक यूज लिखने बोलता है, तो देखिए कोई भी गैस में सॉरी कोई भी सॉल्यूशन में गैस को अगर हम लोग घुलाएंगे, गैस का सॉल्युबिलिटी है ये, गैसेस का सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. कोई गैस को अगर घुलाएंगे कितना घुलेगा, यानी मास ऑफ गैस कितना घुलेगा वो डिपेंड करता है पर लीटर में, एक लीटर में कितना गैस घुलेगा वो डिपेंड करता है इट्स प्रेशर. प्रेशर ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा घुलेगा, प्रेशर कम रखेंगे तो कम घुलेगा. बस यही है हेनरी लॉ, और इसका यूज करने को अगर हम बोलेंगे दो यूज लिखना पड़ता है, एग्जाम में आ जाता है. द मास ऑफ गैस घुलता है डिजोल्व्ड इन ए सॉल्यूशन पर लीटर, इन ए पर लीटर मतलब एक लीटर सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ गैस, कितना द्रव्यमान गैस का घुलेगा. द मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स व्हाट प्रेशर, और कुछ भी नहीं है इसमें, इतना ही सा क्वेश्चन है इसके अंदर. तो मास ऑफ गैस डिजॉल्व जो होता है वो डिपेंड करता है इट्स क्या प्रेशर, और वो भी एक लीटर के बारे में बात हो रहा है पर लीटर. और इसका यूज एग्जाम में लिखना आता है तो हम लोग दो यूज लिख सकते हैं, इसी को यूज करते हैं हम लोग. टू डिजॉल्व घुलाने में काम आता है गैसेस, कौन सा गैस, कार्बोनिक, कार्बोनिक एसिड का जो गैस होता है ना, कार्बोनिक एसिड लिक्विड को गैस बनाते हैं इन क्या कोल्ड ड्रिंक सब में, कोल्ड ड्रिंक सब में जो गैस घुलता है ना, सॉफ्ट ड्रिंक सब में, इसी प्रिंसिपल को यूज किया जाता है ना. गैस को घुलाना है, कितना गैस घुलेगा वो डिपेंड करता है उसका प्रेशर पे. और डाइवर्स सब ना, डाइवर्स सब देखें समुद्र के नीचे जो आता है डाइवर्स सब है ना, वो सब ऑक्सीजन गैस को घुला के रखता है कि नहीं, कितना घुला करता है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है. डाइवर्स यूजेज द डिजॉल्व ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर सी, ना सी के अंदर जो घुसता है ना लोग समुद्र सब में, डाइवर्स बोलते हैं उसको, तो वो लोग क्या करता है इसी प्रिंसिपल में ऑक्सीजन गैस को अपने पास ले जाता है. अंडरस्टूड? तो ये था हेनरी लॉ, नोट कर लीजिए. वेंट हॉफ फैक्टर, इसको आई या जी बस वन मार्क में आता है आप लोग का,
ज़्यादा डिस्कस नहीं करें। क्या होता है कभी कभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना बदल जाता है कोई सॉल्यूशन में सॉल्यूट को घुलाने से, है कि नहीं। तो हम लोग को जो मास मिलता है जो भी ऑब्जर्व्ड नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होना चाहिए उसका रेशियो किसके साथ जो पाया गया है ना, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड जो होना चाहिए उसको नॉर्मल बोलते हैं, जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जर्व्ड बोलते हैं। उन दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, आई या जे बोलते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर बोलते हैं, इसको हम लोग अल्फा से भी डिनोट करते हैं। बस वन मार्क आता है आप लोगों को, व्हाट इज वेंट हॉफ फैक्टर। तो वेंट हॉफ फैक्टर इज द क्या है, रेशियो ऑफ किसका, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो होना चाहिए उसका मॉलिक्यूलर मास या नॉर्मल कोलिगेटिव क्या प्रॉपर्टीज, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वेंट हॉफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ किसके साथ, टू दैट ऑफ व्हाट, ऑब्जर्व जो पाया जाएगा, एक्चुअली जितना होना चाहिए उससे कम पाया जाता है या ज्यादा पाया जाता है जो भी हो, ऑब्जर्व मतलब पाया जाने वाला जो देखा गया है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, टू दैट ऑफ ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस रेशियो को बोलते हैं हम लोग इज कॉल्ड वेंट हॉफ फैक्टर आई बोलते हैं। 100% जितना लोग लिखे हैं उसी में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आएगा, सबको जाके एकदम अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब इसमें कुछ जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें मैक्सिमम आपको देखिए क्या क्या टॉपिक है, ये तो आता है आप गौर किए होंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गौर किए हैं, एकदम सेम सोचने का तरीका होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या, सबको हम डिस्कस करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक होता है रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, एंड एक एक दो दो बना के दिखाएंगे आपको हम सबका। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन कौन फार्मूला आपको याद रहना चाहिए है ना, वो आप अगर जानेंगे तो तुरंत पुट करके एग्जाम में नंबर ला सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। एलिवेशन में याद आ रहा पिछला वीडियो देखेंगे डेल्टा टीबी बोलते हैं कि नहीं, के बी इंटू मोलालिटी दिया तो ये आंसर होगा, आप याद कर लिए अगला वीडियो से अटेंड करने से पहले, डेल्टा टी बी के बी नंबर ऑफ ग्राम मोल पर के जी ऑफ सॉल्वेंट इंटू क्या होता है 1000 या के बी इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू क्या होगा डब्ल्यू ए, वे सबको जानते हैं डब्ल्यू मतलब वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट, सॉल्यूट सॉल्वेंट 1000, ये हो गया डेल्टा टी बी, और डेल्टा टी बी का वैल्यू टी टू माइनस टी वन से भी कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फ्रीजिंग पॉइंट बस एफ लिख लीजिए जो घट जाता है, पिछला वीडियो देखे होंगे तो के एफ इंटू क्या बोलते हैं एम, के एफ इंटू एम का वैल्यू क्या था नंबर ऑफ ग्राम मोल पर, एग्जाम के लिए से याद रहना चाहिए नंबर ऑफ ग्राम मोल पर के जी ऑफ क्या होता है सॉल्वेंट इंटू क्या होता है 1000 या के एफ नंबर ऑफ ग्राम मोल कैसे निकालते हैं वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू डब्ल्यू ए इंटू क्या होता है 1000। डेल्टा टी एफ के एफ इज इट क्लियर, डाउट है किसी को, याद होना चाहिए बी है एफ है, प्लस में आंसर लिखना पड़ता है टी टू माइनस टी वन इनिशियल माइनस फाइनल जो भी करिए। रोड स्लो वेपर प्रेशर में अगर डीपी निकालने आ गया, सॉरी वेपर प्रेशर पी डिग्री तो दिया हुआ रहेगा इंटू एक्से कर दीजिए, और एक्से जो शुरू से जानते होंगे क्या होता है उसका ग्राम मोल बाई टोटल ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूशन, या डीपी निकालने आ गया तो पी डिग्री में से पी माइनस कर लीजिए, और आरएल वीपी अगर आ गया तो पहले डीपी निकालिए और उसको पी डिग्री से डिवाइड कर दीजिए, बस और कुछ नहीं है, जब भी वेपर प्रेशर का वहीं पर आंसर है, सबका दो दो क्वेश्चन बना के दिखाएंगे हम क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पहले ही पढ़ा चुके हैं, अच्छा से पढ़ा है आपका, जितना क्वेश्चन आप पॉसिबली जितना पॉसिबिलिटी जितना बना के रखिए, पाई इज इक्वल टू आज ही पढ़े एम आर टी
पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वी आर टी। इतना फार्मूला आपको अगला वीडियो में याद रहना चाहिए। हम दो तो क्वेश्चन सबका बना के दिखाएंगे और जितना बुक से बनाएंगे और फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए।